हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में भी एक नया वैकेंसी निकला है ओमान कंट्री के लिए। ये आके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पोजीशन निकल के है। ये जॉब कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते, ये जॉब अप्लाई करने के क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और ये जॉब अप्लाई करने के लिए क्या एज कैटेगरी चाहिए, सब कुछ बताएगा आज इस ब्लॉग में। ब्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पर्टिकुलर एज आप कैसे अप्लाई करना है क्या है बोल के। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल करके प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा अभी भी फ्यूचर में आगे चल के। दोस्तों, आज की कंट्री है ओमान के बारे में मैंने बताया था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पोजीशन निकला है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है, जैसे कि इंडिया में ऑलमोस्ट अभी कर रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक ब्रांड का, एक टैबलेट्स का, नहीं तो एंटीबायोटिक का, कौन सा एक प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग करना पड़ेगा, डॉक्टर जाके कंसल्ट होना पड़ेगा, डॉक्टर को समझाना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, डॉक्टर के पास ऑर्डर लेना पड़ेगा, ये काम रहता है पूरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। और आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का और डिटेल से जानना है पोजीशन का, जॉब एंड रोल्स के बारे में गूगल कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको डेटा मिल जाएगा, आपको मैटर मिल जाएगा, पढ़ के समझ सकते हैं। ये जॉब अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम टू मिनिमम इंटरमीडिएट, ये लोगों ने पूछा है, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी खासी आना चाहिए, फ्लुएंट ऑफ इंग्लिश रहना चाहिए, कम्युनिकेशन आपको गुड रहना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। एंड आपका एज कैटेगरी इसमें 24 ईयर्स रहते हो 30 ईयर्स तक, इस दरमियान में आपकी एज रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ये जॉब अप्लाई करने मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये लोगों ने मांगा है। आपका एक्सपीरियंस इंडिया का हो नहीं तो गल्फ का हो, कोई भी हो चलेगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ये लोगों ने मैंडेटरी करके बताया है। और इसकी सैलरी आके निगोशियबल है, उधर जाने के बाद इंटरव्यू पता चलेगा आपको उससे कितना सैलरी पे करते हैं क्या है बोल के, बहुत अच्छी खासी सैलरी देते हैं। और कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या वो बताए तो आपको एडिशनल से क्या क्या दे रहे हैं, अकोमोडेशन दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं एंड मेडिकल दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जो कोई भी जॉब पे इंटरेस्टेड है, जाना चाहते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेटेड CV, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी प्रिंट एंड बैक, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम ये लोगों ने मांगा है। पूरे जो डॉक्यूमेंट बताए स्कैन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल ID डालकर उसको फॉरवर्ड कीजिए, और साथ ही साथ कंसल्टेंसी का मोबाइल नंबर एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये पेड कंसल्टेंसी कितना है, क्या है सर्विस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर देखे जाकर कॉन्टैक्ट करके आप बातचीत कर ले सकते हैं। ये कंसल्टेंसी आपको केरला में है। जो कोई भी मेरा ब्लॉग देखता है, हर ब्लॉग में कहता रहता हूँ कि किसी भी एजेंट को किसी भी कंसल्टेंसी सिंगल रुपये और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए बिफोर इंटरव्यू। वंस आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका ऑफर लेटर चेक करके साइन करके हाजिर पासपोर्ट रख सकते हैं श्योरिटी के लिए। आपको प्रोसेस चलने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है दुबई में, अभी राइट नाउ बाहर कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, वीज़ा चेक करके आप पैसा जो भी कंसल्टेंसी पे करके जा सकते हो ओमान। ये रहता पूरा प्रोसेस और इसका सिलेक्शन प्रोसेस। वन तक का CV शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू सेलेक्ट होने के बाद आपको प्री मेडिकल वीज़ा आएगा, वीज़े के बाद सीधा फ्लाइट पकड़ के चलो ओमान, यही प्रोसेस है। और यही है, जो कोई भी ये मेरा ब्लॉग देख रहा है, जो कोई भी आपके दोस्त में रिश्तेदार में कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करके है, एक्सपीरियंस है, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली वो लोगों को शेयर करो ये वीडियो, उनको मदद मिल जाएगी जॉब हासिल करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। जो भी क्वेश्चन से जो भी डाउट से बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है जफरुल्ला बादशाह, इंस्टाग्राम पेज है जफरुल्ला बादशाह, वो दोनों दिख रहे हैं। सिंपल से फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, सर्च बार में जाए मेरे यूजर नेम टाइप कीजिए जफरुल्ला बादशाह, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, जाके क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और मोर अपडेट भी देता रहता हूँ जॉब्स के रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही है, ख्याल रखें अपना भी इस चैनल का।